नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, आप सभी का लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों दोस्तों हमारा मिशन है दिसंबर 2019 में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नेट के साथ साथ JRF क्रैक करें। इसी उद्देश्य से हम जून 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम सीरीज के माध्यम से आपको वीडियो बनाकर समझा भी रहे हैं, और साथ ही साथ दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आपको हिंट भी कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह की सुविधा जो है आप और कहीं नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। सभी स्टूडेंट का मानना है कि हमारे द्वारा जो वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो सामग्री उपलब्ध हो रही है उसमें आप नोट्स बनाकर तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इसको बार बार रिवीजन करें। दोस्तों हम जून 2019 के क्वेश्चंस को प्रस्तुत करने के बाद आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद आपको ये 15 क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी साबित हो और दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं, आज जो हम पढ़ेंगे 21 जून 2019 के सेकंड शिफ्ट में केवल 2 प्रश्न पूछा गया था। उन दोनों प्रश्न का उत्तर क्या हमें चुनना था और इसका व्याख्या क्या है, ये देखिए। ये दो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। दो प्रश्न पूछा गया था, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होना चाहिए। कक्षा में प्रभावी संचार का मौलिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को निजी संदेश को श्रोता के अनुकूल बनाना चाहिए। यहां पर संदेश होगा, निजी संदेश को श्रोता के अनुकूल बनाना चाहिए। मान लीजिए श्रोता है हिंदी माध्यम वाले और आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, चाहे अपने लाइफ से संबंधित हो। यदि आप इंग्लिश में बक रहे होंगे या कह रहे होंगे तो हिंदी माध्यम वाले जो श्रोता हैं उनके समझ से परे होगा। इसलिए निजी संदेश को श्रोता के अनुकूल बनाना चाहिए, यानी कि श्रोता के अनुकूल मतलब श्रोता क्या चाहता है। श्रोता के अनुकूल का मतलब होता है यदि वो हिंदी माध्यम से है तो हिंदी में आपको जो है यहां पर संदेश देंगे तो प्रभावी संचार माना जाएगा। हम इस दोनों क्वेश्चंस के बाद में 5 सिद्धांत भी आपको संप्रेषण के बताए हैं, तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तभी संभव होगा जब संप्रेषित व्यक्ति का संदेश श्रोता के अनुसार और उसके अंदर संदेश सुनने की प्रबल जिज्ञासा से परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो यह है आपका सही आंसर जो है सी, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन पूछा था क्या, संचार प्रक्रिया में शारीरिक भाव भंगिमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमने आपको बता दिया है 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसके पिछले वीडियो, यानी कि 21 जून 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में हमने बताया है या इसके पहले वाला में बताया है। याद रखिएगा ये शारीरिक हाव भाव और संस्कृति मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, दोनों संयुक्त रहता है। शारीरिक भाव भंगिमा और संस्कृति, ये 2 चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का समग्र नाम है जो उस समाज के सोचने, विचार करने, कार्य करने की शैली से समझा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बार बार अपने उद्बोधन में यदि गौतम बुद्ध का उदाहरण देता हूं तो हो सकता है कि मेरे जीवन में गौतम बुद्ध ज्यादा प्रभावित करता है। यदि मैं गांधी जी के बारे में हर उद्बोधन में उनका ही उदाहरण प्रस्तुत करता हूं तो इसका मतलब होता है कि मेरे जीवन में गांधी जी का प्रेरक प्रसंग प्रभावित करता है। तो यदि डॉक्टर अंबेडकर के विचार
यदि सम्मिलित है तो समझ लीजिएगा अंबेडकरवादी विचारधारा मेरे में कुट कुट कर भरा हुआ है। यानी कि ये शारीरिक भावभंगिमा संस्कृति पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है सही आंसर जो है, जहां पर भी शारीरिक भाव भंगिमा होगा उसका संस्कृति से सीधा संबंध होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि मेरे पिताजी का उद्बोधन, जैसे अमिताभ बच्चन के जो स्टाइल है अभिषेक बच्चन में जरूर दिखाई देता है, वही भाव भंगिमा अभिषेक में दिखाई देता है, तो ठीक है। तो इसलिए जो है संस्कृति बड़ी उपयोगिता है संप्रेषण में दोस्तों। ये थी आपके जो है 21 जून 2019 द्वितीय पाली के केवल दो प्रश्न। अब आप लोग जो है दिसंबर 2019 के लिए जो आपको हिंट कर रहे हैं, ये पांच सिद्धांत आप याद कर लीजिएगा, ये दिसंबर 2019 के लिए है। पांच सिद्धांत क्या है? स्पष्टता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, संगतता का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत और ध्यान आकर्षण का सिद्धांत। ये पांचों सिद्धांत आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है संप्रेषण के सिद्धांत में क्या सम्मिलित है। तो आपको जो है इन्हीं पांचों को जो है आपको चयन करना है, या कोई एक उदाहरण दे देगा और आपसे कहेगा कि ये कौन से संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे स्पष्टता का सिद्धांत, स्पष्टता से तात्पर्य हमारा भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, जब भी हम संप्रेषण करें भाषा बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। समन्वय का सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है जब भी हम संदेश को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो संदेश का अर्थ, यानी कि बिना समन्वय के पहले वाले संदेश का अर्थ नहीं निकल पाएगा। जब हम बातचीत करते तो समन्वय होना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई संदेश जा रहा है, संप्रेषण हो रहा है, तो दोनों के बीच में, संदेशों के बीच में समन्वय का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यह है प्रभावी संप्रेषण, तभी माना जाएगा। संगतता का सिद्धांत, जब आप बातचीत करते हैं तो संदेशों के बीच में विरोधात्मक प्रवृत्ति ना हो, यानी कि दोनों संदेश एक दूसरे के विपरीत ना हो, सूचनाएं उपक्रम की नीतियों, योजनाओं तथा उद्देश्य के अनुरूप ही होना चाहिए, तब जाकर जो है ये संगतता कहेंगे। जो संदेश दे रहे हैं, जिस विषय में आप पढ़ा रहे हैं उसी विषय से कोरिलेट होना चाहिए। अन्यथा स्थिति में, मान लीजिए मैं रायपुर की घटना के बारे में बताना चाह रहा हूं और यदि बॉम्बे की घटना बता देंगे तो ये संगतता नहीं होगी। विशिष्टता का सिद्धांत, यानी कि संप्रेषण के दौरान कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गाली गलौज वाला शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि संप्रेषण में सूचनाएं शिष्ट और शालीन होना चाहिए, तभी इसको कहेंगे ये जो है विशिष्टता का सिद्धांत। ध्यान आकर्षण का सिद्धांत, संदेश देते समय ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर भेजने वाले का ध्यान नहीं है तो वह गलत संदेश भी भेज सकता है, अतः संदेश देते समय ध्यान आकर्षित होना चाहिए। पहले आपको जो है साइबर क्राइम में बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है इसमें जो है गिरफ्तार हो जाते थे। क्या होता था कि दोस्तों के बीच में नॉनवेज मैसेज भेजने का चलन था, तो कई बार ऐसा होता था लड़के की तरफ से भी और लड़कियों की तरफ से भी, वो नॉनवेज मैसेज जो है वो जिनको भेजना चाहिए था, उनके जो दोस्त है जिनको आपत्ति नहीं है, वहां पर न जाकर किसी अन्य व्यक्ति के पास में चला गया। मान लीजिए लड़का है किसी लड़की के पास में चला गया, तो लड़की अपने भैया को बताएगा, कहेगा कि भैया देखिए अब राखी के बंधन को निभाइए, एक मनचला जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो फिर भाई जो है राखी के बंधन को फिर निभाता है ठीक से, ठीक है। तो इस तरह से गलतियां ना हो, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम यहां पर संप्रेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि छोटा वीडियो बनाने में जो बच्चों में जो इंटरेस्ट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संप्रेषण का सही अनुक्रम क्या है, याद रखिएगा। पहला संदेश होता है, फिर प्रेषक होता है, ठीक है, फिर पाने वालों का नाम होता है, पाने वाला होता है। तो ये जो है ये आंसर सही है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है, माध्यम पूछ रहा है, माध्यम, ठीक है। उच्चारित, उच्चारित करके हम अपने संदेश को देते हैं, यानी कि बोलकर या लिखकर, लिखित में लिखकर देते हैं, या भावभंगिमा या चिन्ह या संकेत के द्वारा,
ये तीन माध्यम है दोस्तों, याद रखिएगा। ये तीनों चीजें जो है क्या होता है, संदेश संप्रेषण का माध्यम लिखित होता है, मौखिक होता है और संकेतिक होता है, ठीक है। ये एक मार्गी एवं त्रिस्तरीय भी हो सकता है, एक मार्गी, द्विपक्षीय और त्रिस्तरीय, ये तीन स्तर पर जो है होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये डी आंसर सही है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होता है। ये सिद्धांत भी हमने बताया कि सही व्यक्ति के पास में जाना चाहिए, ये संप्रेषण प्रभावी होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि संप्रेषण शब्द का उद्गम लैटिन शब्द कम्युनिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है उभयनिष्ठ अथवा बांटना अथवा समाचार देना अथवा हस्तांतरण करना। जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं तो संप्रेषण प्रभावी होता है, ध्यान रखिएगा, ये आंसर जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, संदर्भ नहीं है, यानी कि भौतिक और पर्यावरणीय संदर्भ नहीं होता है, ठीक है, भौतिक और पर्यावरणीय संदर्भ जो है संदर्भ नहीं माना जाता। धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ संप्रेषण के श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक यहां पर धार्मिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा मनोवैज्ञानिक, ये संदर्भ संप्रेषण के श्रेणी में आते हैं, भौतिक और पर्यावरणीय संदर्भ संप्रेषण के श्रेणी में नहीं आते, ध्यान रखिएगा। ये तीनों चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा कि संप्रेषण संदर्भ में धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आता है, जबकि बहुत अन्य चीजें जो है नहीं आता। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है, तो ध्यान दीजिएगा, चित्रमय प्रदर्शन, चित्रमय प्रदर्शन चित्र मतलब अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है, जबकि उदाहरण देना ये मुंह में बोलोगे, कहानी सुनाना मुंह में बोलना पड़ेगा, प्रश्न पूछना मुंह में बोलना पड़ेगा, मौखिक होगा, ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है, यानी कि शाब्दिक यानी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और चित्र में, चित्र प्रदर्शन में शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि संकेतों के माध्यम से या अभिव्यक्ति के माध्यम से हम जो है संप्रेषण को करते हैं, तो इसलिए जो है चित्रमय प्रदर्शन जो है अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है, दोषपूर्ण भाव भंगिमा, गलत इशारा करना, ठीक है, ये प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध आता है दोस्तों, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ध्यान दीजिएगा, सत्य जो है यह एक गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, स्थैतिक मतलब जो रुक गया हो, स्थैतिक, स्टैटिक जिसको कहते हो, ठीक है, तो यहां पर गतिशील प्रक्रिया है, यह गतिशील और स्थैतिक दोनों प्रक्रिया है, नहीं, यह न तो गतिशील है नहीं, तो यानी संप्रेषण एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्तियों और वस्तुओं को किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित करते हैं, इसलिए यह गतिशील प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है, सबसे ज्यादा सक्रिय सभ्य, ठीक है, सक्रिय सभ्य यहां पर बता रहे हैं, संप्रेषण में सक्रिय श्रव्य सर्वाधिक श्रव्य कौशल है, सभा सम्मेलन, संगोष्ठी, भेंटवार्ता, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप रेडियो, समितियां आदि श्रव्य माध्यम है दोस्तों। श्रव्य माध्यम को आप नोट्स बना लीजिए, श्रव्य माध्यम में क्या क्या आता है, सभा सम्मेलन, संगोष्ठी, भेंटवार्ता, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप रेडियो, समितियां, ये सब जो है श्रव्य माध्यम है, और ये सक्रिय सभ्य होता है, ठीक है, सक्रिय सभ्य होता है, ये इसका जो है सही आंसर है। यहां पर लास्ट दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है, सिद्धांत बोल रहा है, कौन से सिद्धांत, हमने आपको अभी अभी बताया है कि स्पष्टता होगा, समन्वय होगा, ठीक है, अवधान भी हो सकता है, ये पदानुक्रम नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। प्रभावी संप्रेषण का स्पष्टता, विश्वसनीयता, संदर्भ, संतुष्ट प्रावधान, अनुकूलता एवं माध्यम इत्यादि सभी आते हैं, ठीक है, ये प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत है दोस्तों, जो हमने आपको पहले भी बताया और अभी भी जो है बता रहे हैं, इस विश्वसनीयता होना चाहिए, है संतुष्ट अवधान होना चाहिए, अनुकूलता होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा।
बारवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल यानी कि पैरामीटर है? ये फीडबैक है। फीडबैक यानी कि उसका रिप्लाई आना। हम तो संप्रेषण करते हैं, संदेश भेजते हैं सामने व्यक्ति के पास में, वहां से कैसे रेस्पॉन्स मिलेगा यानी कि फीडबैक मिलेगा, ये पैरामीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जो है लास्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? याद रखेगा, ये प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए। एक ही सांस्कृतिक परिवेश का मतलब यहां पर बता दें, यदि हिंदी माध्यम वाला प्रेषक है तो संदेश को ग्रहण करने वाला भी हिंदी होना चाहिए, हिंदी की जानकारी होना चाहिए। कोई भी भाषा में भेज दोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक बोल रहा है, इशारा करना, संकेत करना। यहां पर इशारा करने वाला व्यक्ति भी जो है क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि कोई इशारा किया, वो इशारा को जानकारी उन्हें होना चाहिए। यानी कि संप्रेषण दो या दो से अधिक प्राणियों के मध्य निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि व्यवहारिक आदान प्रदान में वृद्धि के लिए उनका पृष्ठ पोषण करता है। यानी कि फीडबैक यहाँ पर जो है दोनों सांस्कृतिक परिवेश का होना चाहिए, दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश का होना चाहिए। सांस्कृतिक परिवेश होने से संप्रेषण प्रक्रिया में अवरोध नहीं आएगा। सांस्कृतिक परिवेश का मतलब होता है कि वो संकेत उसको पता होना चाहिए। ठीक है, वो संकेत उसको पता होना चाहिए, तभी जाकर जो है हम समझ सकते हैं कि हाँ बोले ये अशाब्दिक संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक परिवेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सांस्कृतिक परिवेश वाला जो है। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आपको हमारा वीडियो फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू।